Shalom, 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 hallelujah, जय यीशु मसीह की। आइए हम यहूदा की पत्री पे अपने अध्ययन को जारी रखें। लेट्स कंटिन्यू। मैं बता रहा था आपको, यहूदा प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम। पहले खंड में हमने इस वचन पे मनन किया, यहूदा प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ गुलाम। वो एक छोटी सी पत्री लिखता है और इस पत्री का कारण क्या बता रहा है, तीसरा वचन, बिलवेड व्हेन आई गिव ऑल डिलिजेंस टू राइट अन टू यू द कॉमन सालवेशन, मैंने पूरे यतन से मोक्ष के, मुक्ति के विषय में लिखना चाहा, बट इट वॉज नीडफुल फॉर मी टू राइट अन टू यू, परंतु कुछ ऐसा महसूस किया यहूदा ने उस समय, आज से लगभग 1900 साल पहले। ये पत्री यहूदा, बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं कि 65 AD में लिखी, तो लगभग 1950 साल पहले यहूदा ने क्या महसूस किया कलीसिया के अंदर। वो कहता है, एंड क्या कहता है, नीडफुल फॉर मी टू राइट अन टू यू एंड एग्जॉर्ट यू दैट यू शुड अर्नेस्टली कंटेंड फॉर फेथ, कि तुम लोग विश्वास के लिए लड़ाई करो, इसलिए मैंने ये पत्री लिखनी चाही। और आगे क्या लिखता है, इसलिए मैंने यह पत्री लिखनी चाहिए क्योंकि बहुत से झूठी शिक्षा देने वाले, झूठे शिक्षक कलीसिया के अंदर घुस आए हैं। यहूदा अपनी पत्री लिखता है झूठे शिक्षकों को एक्सपोज करने के लिए, झूठे प्रचारकों को बेनकाब करने के लिए, और विश्वासियों को ये दिलेरी देने के लिए कि सच्चे विश्वास के लिए संघर्ष करो और विश्वास में बने रहो और अपनी विश्वास की दौड़ को पूरा करो। ये उद्देश्य है विश्वासियों के प्रति परमेश्वर के इस श्रेष्ठ दास यहूदा का ये पत्री लिखने का। हालेलुया। उसने कुछ चीज बहुत खतरनाक देखी अपने समय में। उसने देखा कि झूठी शिक्षा देने वाले, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे प्रेरित, झूठे नबी, लोगों को ठगने वाले, परमेश्वर के कलाम को तोड़ने और मरोड़ने वाले, परमेश्वर के कलाम को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करने वाले, ऐसे झूठे प्रचारक, दे हैव स्लिदर्ड इन द चर्च। क्या लिखता है, फॉर सर्टन मैन हैव क्रेप्ट अनअवेयर, इंग्लिश में लिखा है, कुछ ऐसे पुरुष, कुछ ऐसे व्यक्ति कलीसिया में घुस आए हैं। क्रेप्ट इन द चर्च इंग्लिश में लिखा है, स्लिदर्ड इन द चर्च, जैसे सांप ऐसे आता है ना, यूं करके सांप की रीति, जैसे सांप अदन के बाग में घुस आया, उसी रीति से मंडली के अंदर, परमेश्वर की कलीसिया के अंदर झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक घुस आए हैं। और वचन को ध्यान से पढ़ें, यहूदा को ये झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षा देने वाले, झूठे नबी, झूठे प्रेरित बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो इनके विषय में क्या लिखता है, सुनिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। मैं इसका चौथा वचन आपके लिए पढ़ता हूं, फॉर देयर आर सर्टन मैन क्रेप्ट अनअवेयर हु वर बिफोर ऑफ ऑल्ड ऑर्डेन फॉर दिस कंडमनेशन। प्राचीन समय में उन्हें मुकरर किया गया था कि ये दंड उन्हें मिले, अनगॉडली। ये कौन है, अनगॉडली है, ये परमेश्वर के भक्त नहीं है, परमेश्वर के दास नहीं है, परमेश्वर की भक्ति का पोशाक पहनी है इन्होंने, लेकिन ये भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। टर्निंग द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस इनटू लेस्चिवियसनेस, ये परमेश्वर के अनुग्रह को पाप और अधर्म में बदल रहे हैं, लेस्चिवियसनेस में। क्या लिखा है, टर्निंग द ग्रेस ऑफ अ लॉर्ड इनटू लेस्चिवियसनेस एंड डिनाइंग द ओनली लॉर्ड गॉड एंड अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर के अनुग्रह को पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। तो सुने ध्यान से कि परमेश्वर का दास क्या कहता है इन झूठे शिक्षकों के विषय में, कौन कौन से टाइटल इन्हें देता है। चौथे वचन में कहता है अनगॉडली, परमेश्वर रहित हैं ये, पखंडी है। आठवें वचन में कहता है दे आर ड्रीमर्स, ये ख्वाब देखने वाले हैं, ये ख्वाब देख के अपनी देहों को अपवित्र करते हैं, इनका वास्तविकता से, परमेश्वर की सच्चाई से कोई भी ताल्लुक नहीं है। 12 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, 12 वचन में इन्हें स्पॉट कहता है, 12, दीज आर स्पॉट्स इन योर फीस्ट एंड चैरिटी। स्पॉट्स का मतलब ब्लेमिशेस,
धब्बे होते हैं ना चेहरे के ऊपर लगे हुए, दाग और धब्बे, कहता है ये दाग और धब्बे हैं, बदनुमा दाग और धब्बे हैं। 12 वचन में, 12 ही वचन में कहता है दीज आर क्लाउड विदाउट वॉटर, ये वो बादल हैं जिनके अंदर पानी नहीं है, ये बादल हैं जो गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं, ये शो करते हैं, दिखावा करते हैं, अपने घमंड की परेड करते हैं लेकिन इनके अंदर पवित्र आत्मा के फल नहीं है। और 12 आयत के अंदर ही क्या कहता है, ये फल रहित वृक्ष है। 12 वचन में क्या कहता है, मैं पढ़ता हूं 12 वचन, दीज आर स्पॉट्स इन योर फीस्ट ऑफ चैरिटी व्हेन दे फीस्ट विद यू फीडिंग देमसेल्व्स विद फियर क्लाउड दे आर विदाउट वॉटर कैरिड अबाउट ऑफ विंड्स, ये वो बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा के ले जाती है, ट्रीज हूज फ्रूट विदरथ विद ट्रीज हु फ्रूट विदरथ विदाउट फ्रूट ट्वाइस डेड, ये वो दरख्त हैं जिनके फल नहीं है और दो बार मुर्दा हो चुके हैं, प्लक्ड अप बाय रूट्स, जिन्हें जड़ों से उखाड़ के फेंक दिया गया है। हालेलुया, ये वो वृक्ष हैं जिनकी जड़ें उखाड़ दी गई हैं और वो वृक्ष हैं जिनको कोई फल नहीं लगा है। और 13 वचन में लिखा रेजिंग वेव्स ऑफ द सी, समुंदर की उफनती हुई लहरें हैं ये लोग। और 13 वचन में लिखा फोमिंग देयर ओन शेम, अपनी शर्मिंदगी की झाग ऊपर उछालते हैं। और क्या लिखा है, वॉन्डरिंग स्टार, ये भटकने वाले तारे हैं जो क्षितिज में घूम रहे हैं, भटकने वाले तारे हैं। और क्या प्रभु क्या कहता है इनके लिए, क्या कहता है परमेश्वर, टू हूम इज रिजर्व द डार्कनेस ऑफ द ब्लैकनेस ऑफ द डार्कनेस फॉर एवर, जिनके लिए कालापन, अंधेरे का कालापन रिजर्व करके रखा गया है, अंधकार के कालेपन में हमेशा के लिए ये वास करेंगे, ये जगह इनके लिए मुकर्रर की गई है। ब्लैकनेस ऑफ डार्कनेस, अंधकार का कालापन। यहूदा बहुत ही मीठे शब्दों में ये कह रहा है कि ये झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे नबी, झूठे प्रेरित, ये नरक में जा रहे हैं। इनके गुण बताया है, ये अधर्मी हैं, ख्वाब देखने वाले हैं, ये ब्लैमिश हैं, धब्बे हैं, ये बिना पानी के बादल हैं, ये बिना फल देने वाले वृक्ष हैं जो मर चुके दो बार और जड़ों से उखाड़ दिए गए हैं, ये समुंदर की फंती लहरें हैं जो अपनी शर्मिंदगी पेश करती हैं, ये भटकने वाले तारे हैं, इनके लिए ब्लैकनेस ऑफ डार्कनेस, अंधकार का कालापन इनके लिए रखा गया है। हालेलुया, आपको मालूम यीशु मसीह मत्ती की इंजील में 3 बार ये बात कहता है, मत्ती 8:12 में, मत्ती 22:23 में और मत्ती 25:30 में, यीशु मसीह 3 अलग अलग किस्म के लोगों के विषय में ये कहता है कि इन्हें बाहरी अंधकार में फेंक दो, आउटर डार्कनेस। इसके ऊपर फिर किसी समय हम अध्ययन करेंगे, आउटर डार्कनेस क्या है, बाहरी अंधेरे में फेंक दो। हालेलुया, अनक्वेंचेबल फ्लेम्स है वहां पे, कभी ना समाप्त होने वाली अग्नि है, दांतों का पीसना और कुड़कुड़ाना है वहां पे उस अंधेरे में। आपको मालूम हिब्रू में अंधेरे के लिए जो अंधेरा एक बवा के रूप में परमेश्वर ने मिस्रियों के ऊपर भेजा, मिस्रियों के ऊपर 3 दिन 3 रात ऐसा अंधेरा था कि उन्हें अपना शरीर भी दिखाई नहीं देता था, हिब्रू वर्ड है होजेक। ये अंधेरा एक दुष्ट आत्मा है, ये अंधेरा केवल ज्योति की अनुपस्थिति नहीं है, ये अंधेरा एक शैतानी एंटिटी है, ऐसा अंधकार जिसे आप ऐसे पकड़ सकते हो। उस अंधकार में परमेश्वर से अलग होके, रहित होके मनुष्य जाति को अनंत काल के लिए तड़पना पड़ेगा। भाई और बहनों, मैं प्रचार करके लोगों को बताता हूं नरक कितनी भयानक जगह है, नरक में कोई आशा नहीं है, नरक में आपका कष्ट और आपकी पीड़ा बढ़ते ही जाएंगे, आशा रहित अवस्था में ऐसे अंधेरे में मनुष्य तड़पेगा जिसे महसूस किया जा सकता है। आपको मालूम बाइबल में ज्यादा आयतें हैं जो नरक के बारे में बताती हैं, स्वर्ग से ज्यादा, लेकिन बाइबल के प्रचारक कभी भी लोगों को नरक के विषय में बता के नरक जाने से आगाह नहीं करते। हालेलुया, प्रभु 3 बार आउटर डार्कनेस की बात करते हैं। हालेलुया, आपको मालूम यहूदा यीशु मसीह का भाई, एक ही परिवार में यीशु मसीह के संग बड़ा, साइमन, यहूदा, यूसुफ, ये सब यीशु मसीह के भाई थे,
यहूदा, जेम्स, योसेफ, साइमन यीशु मसीह के भाई थे। यीशु मसीह सर्वांग सिद्ध पुरुष, ये कभी भी यीशु मसीह के संग मैच नहीं कर पाए होंगे। यीशु मसीह कितना अद्भुत, कितना अलौकिक, कितना निराला। यीशु मसीह के सारे काम संपूर्ण सिद्ध। तो ये सोचते होंगे यीशु मसीह कितना सिद्ध है, हम तो यीशु मसीह के बराबर कभी नहीं आ पाएंगे। आज मैं आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं। आपने अपनी मसीह दौड़ शुरू की, आप अपनी मसीह दौड़ की शुरुआत में गिर गए फिर उठे, कोई बात नहीं। आपकी शुरुआत कितनी भी बुरी क्यों ना हुई हो, इसका कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। आपका अंत बढ़िया होना चाहिए। प्रेरित पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो कि तुम इनाम ले जाओ। प्रेरित पौलुस कहता है मैं अपनी आंखें उस निशाने की, वो जो टारगेट है, वो जो फिनिश लाइन है दौड़ की, वहां पे मैंने अपनी आंख लगाई है और मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय में इब्रानी लिखने वाला कहता है हर उलझाने वाले पाप को अपने शरीर से उखाड़ फेंको। वो बिसेटिंग सिन अंग्रेजी में लिखा है, बार बार जो आपको पाप गिरा देता है, बार बार। शायद वो अर्धरात्रि को नंगी तस्वीरें देखने का पाप है, या कभी कभी किसी किस्म का नशा करने का पाप है, कभी कभी हरामकारी करने का गंदा पाप है। उसे अपने जीवन से निकाल के फेंक दें ताकि आप अपनी दौड़ दौड़ सकें। आपको दौड़ दौड़ने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। आप फिनिश लाइन पे जब पहुंचेंगे तो आपको राजाओं का राजा प्रतिफल देगा। भाइयों और बहनों, आपका अंत सही होना चाहिए। आपके जीवन की ये जो दौड़ है, ये 100 मीटर रेस नहीं है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है, ये मैराथन दौड़ है। सब्र के संग दौड़ना है और निशाने पे अपनी आंख लगा के रखनी है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहो। यीशु मसीह की ओर आंख लगा के इस दौड़ को दौड़ना है। यू हैव टू फिनिश इट वेल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको, यकूब अपनी पत्री में क्या लिखता है, यकूब कहता है पहले ही वचन में कहता है सैंक्टिफाइड बाय गॉड एंड प्रिजर्व्ड। तुम्हें मसीह में अलग किया गया है और रोज रोज परमेश्वर आपको मसीह में अलग कर रहा है और प्रिजर्व कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है। प्रिजर्व का मतलब यू आर कैप्ट इन क्राइस्ट, तुम मसीह में संभाल के रखे गए हो। परमेश्वर आपको और मुझे संभाल के रखता है। परमेश्वर को आपको और मुझे संभालना आता है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 1:6 में प्रेरित पौलुस कहता है वो सनातन अनादि परमेश्वर जिसने एक अद्भुत काम हमारे अंदर शुरू किया है, वो उस अद्भुत काम को पूरा भी करेगा। जो अद्भुत काम परमेश्वर ने आपके और मेरे अंदर शुरू किया, वो स्वयं परमेश्वर उसे समाप्त करेगा। परमेश्वर आपको संभाल के रखेगा। दूसरा तिमोथियस 1:12 में प्रेरित पौलुस कहता है गॉड इज एबल टू कीप अंटिल दैट डे, उस दिन तक मेरी धाती को मेरा परमेश्वर संभाल के रखेगा। वो आपको और मुझे सिद्ध करके पिता के आगे पेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कीपिंग परमेश्वर है, संभाल के रखने वाला परमेश्वर है, हमारी सुधि लेने वाला। गिनती की पुस्तक 6 अध्याय में प्रार्थना की जाती थी, इज़राइल का महायाजक पूरी प्रजा को आशीर्वाद देता था। वो क्या आशीर्वाद देता था, नाउ मे द लॉर्ड कीप यू, मे द लॉर्ड ब्लेस यू, मे द लॉर्ड कीप यू, मे द लॉर्ड लिफ्ट अप हिज काउंटेनेंस एंड मे द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू सो दैट यू रेडिएट इन हिज ग्लोरी। हालेलुया। गिनती 6 में महायाज की बरकत क्या है, स्वर्ग का परमेश्वर तुझे संभाल के रखे। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर अपने चेहरे के तेज को तेरे चेहरे पे चमकाए और तुझे सामर्थ और शांति से भर दे। हालेलुया। परमेश्वर हमें संभालने वाला, ही इज अ कीपिंग गॉड, हमारी रक्षा करने वाला, प्रिजर्व करने वाला परमेश्वर है। वो करुणा और शांति और प्रेम की बहुतायत से हमें भर के रखेगा। तो क्या कहता है कि कंटेंड करो, युद्ध करो, लड़ाई करनी है उस विश्वास के लिए। शैतान उस विश्वास को छीनने आ रहा है, आपके अंदर से विश्वास निकाल के आपको खोखला जीवन देने आ रहा है। प्रेरित पौलुस कहता है डिनाइंग द पावर देयर ऑफ, वो लोग बाहर से दिखावा करेंगे मसीह होने का, लेकिन मसीह की शक्ति उनके जीवन में काम नहीं करेगी। मुर्दों में से जिस शक्ति ने यीशु मसीह को जिलाया, वो सामर्थ उन लोगों के अंदर काम नहीं करेगी। बाहरी दिखावा होगा,
लेकिन अंदर पवित्र आत्मा की कुदरत नहीं होगी। ऐसा बनावटी जीवन शैतान दे रहा है लोगों को, धोखे से भरा जीवन, ऐसी धोखे से भरी शिक्षा, ऐसे धोखे से भरे प्रेरित और शिक्षक आ रहे हैं जिनके विषय में यहूदा यह पत्री लिख रहा है, उन्हें एक्सपोज कर रहा है, उन झूठे शिक्षकों को बेनकाब कर रहा है। तो कहता है विश्वास के लिए मल्लयुद्ध करो, लड़ाई करो। इपा गिनोजेमेई ग्रीक वर्ड है, इपा गिनेजोमेई, जहां से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है एगनाइज। एगनाइज का मतलब खून पसीना एक करना, अपने विश्वास की रक्षा के लिए खून पसीना एक करो। अंग्रेजी का वर्ड है कंटेंड फॉर योर फेथ। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी मुक्ति के लिए कोई कर्म करने हैं, बिल्कुल नहीं। हमारी मुक्ति का काम पूरा किया प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे अपनी जान देके, पताल में जाके और मुर्दों में से जी उठ के। हालेलुया, आपके और मेरे मोक्ष का काम पूरा हो चुका है भाई और बहनों, लेकिन हमने एगनाइज करना है इस विश्वास की रक्षा करने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ झूठे भाई, झूठे प्रचारक, झूठे नबी, कुछ झूठे प्रेरित घुस आए हैं। लिखा है दे आर मार्क्ड फॉर दिस लूडनेस। अंग्रेजी में मैंने पढ़ा चौथे वचन में लिखा है लेस्चिवियसनेस, लिखा है मेरी बाइबल में लिखा है टर्निंग द ग्रेस ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इनटू लेस्चिवियसनेस। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है अंग्रेजी में लूडनेस। कई बार इसका अनुवाद हमें ऐसे लगता है जैसे ये सेक्सुअल इमोरालिटी की, नैतिक अपवित्रता की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो ग्रीक शब्द है यहां पे, रूट ग्रीक शब्द है, उसका मतलब है ए ब्रेजन प्रैक्टिस ऑफ फॉल्स डॉक्ट्रिन। एक ऐसी शैतानी झूठी शिक्षा की पद्धति, झूठी शैतानी और लोगों को भरमाने वाली शिक्षा की पद्धति, ए ब्रेजन प्रैक्टिस ऑफ फॉल्स डॉक्ट्रिन, लूडनेस, जिसने परमेश्वर के अनुग्रह को पाप के अंदर तब्दील कर दिया। तो ये जो पत्री है इसलिए लिख रहा है झूठी शिक्षा के विरुद्ध में प्रेरित, परमेश्वर का अद्भुत दान कि कितनी झूठी शिक्षाएं मंडली के अंदर फैल रही थी पहली ही सदी में। अभी प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग उठाए हुए 30 साल से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है, लेकिन इतने ही अंतराल में बहुत सारी भरमाने वाली झूठी शिक्षाएं। मैंने फेसबुक के ऊपर लगभग 15-16 घंटे की शिक्षा डाली है झूठी शिक्षाओं पे, लेकिन यूट्यूब पे दोबारा और रूहान टीवी चैनल पे भी मैं एक बार फिर शैतानी शिक्षा के ऊपर 1-2 सेशन करूंगा, जिसे यूनानी भाषा में डिडास्किलिया डायमोनियन कहा गया है। प्रेरित पौलुस कहता है अंत के दिनों में बहुत से लोग विश्वास से भटक जाएंगे और भरमाने वाली आत्माएं और बदरुओं की शिक्षा का शिकार हो जाएंगे। उसी अंत समय के मुहाने पे आप और मैं बैठे हैं जहां पे ये शैतानी शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। हालेलुया। तो इस झूठी शिक्षाओं के शिकार हुए 3 लोगों की मिसाल मैं आपको दूंगा जो यहूदा की पत्री में है, लेकिन ये हम अपने अगले सेशन में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में 3 वो मिसालों के ऊपर हम मनन करेंगे जो पथ भ्रष्ट हुए और शैतान का आहेर हो गए और वो कभी भी उस निशाने पे नहीं पहुंचे। उन्होंने दौड़ना शुरू किया, शुरुआत अच्छी की, लेकिन फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचे। अपनी दौड़ मुकम्मल नहीं की, कामिल दौड़ नहीं दौड़ी उन्होंने, उन्होंने प्रतिफल नहीं पाया, इनाम नहीं पाया, इनाम पाने से चूक गए। 3 ऐसी मिसालें यहूदा अपनी पत्री में देता है। इस सेशन के बाद अगले सेशन में उनके ऊपर हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की।